थोड़ी देर में बात करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ आफरीन खान। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में, जहां पर अभी एक फैक्ट्री में आग लगने का जो हादसा है वो सामने आया। आपको फैक्ट्री की सीधी तस्वीरें दिखा दें। यहां पर आपको तमाम दमकल की जो गाड़ियां हैं वो नज़र आएंगी, दमकल कर्मी नज़र आएंगे। इस फैक्ट्री में जो है आग लगी थी और उसे बुझाने का जो काम है वो अभी लोगों द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें कि अभी ज़्यादा जानकारी निकल कर सामने नहीं आई है, लेकिन अभी तक जो बताया जा रहा है कि अभी अंदर किसी भी व्यक्ति के फंसे होने की कोई भी खबर सामने नहीं आई है। बहरहाल अभी जो है तफ्तीश पूरी होगी, जो कूलिंग का काम है वो अंदर किया जा रहा है। जैसे ही वो सारा काम हो जाएगा उसके बाद जो अधिकारी हैं वो आकर खुद जो जानकारी है उसे साझा करेंगे कि आखिर ये आग कैसे लगी थी, क्या कुछ हुआ था, कितने लोग फंसे थे, कितने लोगों को रेस्क्यू किया। लेकिन अभी अधिकारी की तरफ से जो जानकारी दी गई है वो यही है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं फंसा हुआ है। आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर काफ़ी सारे मौजूद हैं। एक बार इनसे जुड़कर बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इनमें से कोई व्यक्ति उस वक्त यहाँ पर मौजूद था जब इस फैक्ट्री में आग लगी, क्या कुछ वजह थी। आप देखिए फैक्ट्री के जो मालिक है वो यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन उनकी जो हालत है फिलहाल ख़राब बनी हुई। आप देख सकते हैं कि शायद वो भी अंदर ही थे। एक बार हम इनसे जुड़कर बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आग कैसे लगी थी फिलहाल, लेकिन जो उनकी हालत है वो देखकर लग रहा है कि वो फिलहाल काफ़ी ज़्यादा परेशान है। फिर भी एक बार आप लोगों के लिए हम इनसे बातचीत करेंगे, आपको बताएंगे कि आखिर ये आग कैसे लगी थी। अभी थोड़ा सा जो है ना कूलिंग करेंगे, थोड़ा सामान जिसमें आग थी उसको हटवा रहे हैं, वो हट जाएगा कूलिंग करके। जब आपको बताएंगे पूरी आग बुझ गई है अभी। किसी के फंसे होने की कोई आशंका अंदर? किसको? कोई अंदर फंसा हुआ है? नहीं नहीं। कितने लोगों को रेस्क्यू किया आपने? अभी अंदर कोई नहीं था, कोई कैजुअलिटी नहीं है, ना कोई इंजर्ड है, अंदर कोई नहीं था, सब बाहर। कैसे आग लगी कुछ पता है? अभी बाद में बताएंगे, थोड़ी देर हुआ काम करने दो उसके बाद बताएंगे। तो देखिए आपको बता दें कि आग पर जो है काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है। जो अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं उनका कहना है कि थोड़े समय यहाँ पर रुकना होगा, उसके बाद ही कोई आधिकारिक जानकारी दे पाएंगे कि कितने लोग यहाँ पर घायल हुए, कितने लोगों को चोटें आई हैं, कितने लोग सुरक्षित यहाँ से रेस्क्यू किए गए हैं। तो थोड़ी देर का इंतज़ार करते हैं, उसके बाद ये जो लोग हैं खुद सारी जानकारी साझा करेंगे कि कैसे ये आग लगी थी, क्या कुछ हुआ था, पूरी जानकारी आप तक पहुँचाएंगे। देखिए आपको सीधी तस्वीरें दिखा दें, इस ही इमारत में जो है आग लगने की जो हादसा है वो सामने आया था। बता दें आपको कि ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर बताया जा रहा है ये आग लगी थी। अभी भी आपको यहाँ पर पुलिस अधिकारी नज़र आएंगे जो सारा मुआयना है वो करते नज़र आ रहे हैं। दमकल कर्मी भी यहाँ पर मौजूद हैं, दो गाड़ियाँ भी यहाँ पर आपको नज़र आएंगी। हालाँकि राहत की बात यह है कि जो आग है उस पर पूरी तरह से जो है काबू पा लिया गया है। फिलहाल जो खबरें हैं वो ये हैं कि दो लोगों के इस हादसे में झुलसने की जो खबर है वो सामने आई, लेकिन फिर भी आधिकारिक जानकारी के लिए हम अधिकारी की जो बयान है उनका इंतज़ार करेंगे कि वो क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ जानकारी उनकी तरफ से निकलकर सामने आती है। लेकिन फिर से आपको बता दूं कि अभी अभी जो है आज ही के दिन बवाना इंडस्ट्रियल एरिया के सेक्टर 2 में पहले आग लगी और उसके कुछ ही समय बाद सेक्टर 3 का ये एरिया है जहाँ पर ये आग लगने का हादसा सामने आया। फैक्ट्री के मालिक यहाँ पर ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन अभी कुछ भी कहने की स्थिति में यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। इतना बड़ा जो हादसा था वो यहाँ पर देखने को मिला, जिसके कारण वो अभी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। लेकिन फिर भी एक बार कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने की, अगर उनकी हालत स्थिर होती है तो हम उनसे बातचीत करेंगे कैसे ये कुछ हुआ था, ये सब जानने की कोशिश ज़रूर करेंगे। सर सबसे पहले ये बताइए, ये जो आग लगी थी किन कारणों से लगी थी? ये जो इस फैक्ट्री के अंदर जो फायर हुई है ये शॉर्ट सर्किट से हुई है, बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट हो गया, उससे आग लगी। हमारे को कॉल मिली आके, हमने आग को पूरी तरह से बुझा दिया। कितने बजे आपको कॉल मिली थी? ये तो मैंने पूछना पड़ेगा कंट्रोल से किस टाइम की कॉल मिली। ठीक है, कितनी गाड़ियां पहुंची थी मौके पर? यहाँ पे 6 गाड़ियां पहुंची हैं। और कितनी देर में आग पर काबू पाया है? ये 10 मिनट में आग पे काबू पा लिया था। अब इसमें 3-4 आदमी हल्के से इंजर्ड है, वो हॉस्पिटल में जाके हम डॉक्टर से पूछेंगे कितने इंजर्ड है, उसके बाद हम कुछ बता सकते। जब ये आग लगी थी कितने लोग फंसे थे अंदर? जब अंदर आग लगी थी, अंदर इसका जो ओनर है वही था, जो इसमें बाहर से आदमी आके जिन्होंने आग बुझाने की कोशिश करी थी वो इसमें हल्की सी उनको सेक लगी है, इस कारण उनको हॉस्पिटल लेके गए। किसी की मौत की कोई खबर नहीं? अभी कोई डेथ नहीं है, उनको हल्की सी वो है, वो जाके हॉस्पिटल में डॉक्टर से पूछ के तब पता चला। तो जो आग है वो पूरी तरह से बुझ चुकी? आग पूरी तरह से बुझ। कितने का नुकसान होने का अनुमान है? ये अभी मैं नहीं बता सकता कितने का नुकसान होने का है। ठीक है, ये आग पूरी तरह से बुझ गई है और 4 से 5 लोग इंजर्ड हैं। कौन से अस्पताल में लेकर गए उन्हें? महर्षि वाल्मीकि हॉस्पिटल लेके गए,
और वहाँ जाके डॉक्टर से पूछूंगा, उसके बाद कुछ बता सकूँ। देखिए, अधिकारी से बातचीत करने के बाद जो कुछ जानकारी आई है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल ये जो आग लगी थी, बताया जा रहा है शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी, जिसमें 3 से 4 लोग जो हैं झुलस गए, ये बताया जा रहा है। उन्हें प्राथमिक इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। आपको बता दें कि किसी की भी जान की हानि इस हादसे में नहीं बताई गई, यानी कि किसी भी व्यक्ति की जान जाने की कोई खबर अभी तक सामने नहीं आई है। बहरहाल जो लोग अस्पताल में हैं अभी उनकी क्या कुछ हालत है ये खबरें भी सामने नहीं आई हैं। फैक्ट्री के मालिक से हमने बातचीत ज़रूर करने की कोशिश की थी, लेकिन अभी उन्होंने कहा कि उनकी हालत ठीक नहीं है, बात करने की हालत में वो नहीं है, इस वजह से उनसे कोई भी बातचीत नहीं हो पाई। आपने देखा तमाम मौके पर जो दमकल की गाड़ियां हैं वो पहुंची, तमाम दमकल कर्मी हैं वो पहुंचे। उन्होंने बताया कि 10 से 15 मिनट में इस पूरी आग पर काबू पा लिया गया। उससे पहले आपको एक बार फिर से बता दूँ, बवाना के सेक्टर 2 में पहले आग लगी 2 बजे के तकरीबन, और उसके बाद सेक्टर 3 का ये इलाका है जहाँ पर ये आग लगने का जो हादसा है वो सामने आया। आप देख सकते हैं एक फैक्ट्री है जहाँ पर ये आग लगने का हादसा सामने आया। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर ये जो आग है वो लगी थी। फिलहाल राहत की बात यह है कि इस आग पर पूरी तरह से जो है काबू पा लिया गया है और किसी भी व्यक्ति की जान इस हादसे में नहीं गई है। राजधानी दिल्ली में आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, इसको लेकर आपकी क्या राय है, क्या लगता है आपको, लगातार ये जो आग लगने की घटनाएं हैं क्या सिर्फ गर्मियों में बढ़ रही हैं या फिर इसका कोई और कारण है? इस पूरे हादसे को लेकर अपनी राय हमारे साथ साझा करना बिल्कुल भी ना भूलें। दिल्ली से कैमरामैन जगजीत सिंह के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।